तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पीथमपुर में आप किसी भी ऑटोमोबाइल या किसी भी फार्मा कंपनी में यदि आप जॉब पाना चाहते हैं 2024 के अंदर आफ्टर आईटीआई डिप्लोमा करने के बाद, या फिर आप बीटेक की हो तो उसके लिए भी इन्फॉर्मेशन अलग से दूंगा। और दोस्त, यहाँ पर किस तरह से आप जॉब पाओगे, ट्रेनिंग यदि करना चाहते हो, अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो तो कैसे यहाँ पर आपको जॉब मिलेगी, सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। क्योंकि दोस्त, यहाँ पर यदि आप एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस बेस के लिए मैं अलग से इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा, बट पहले हम फ्रेशर बंदों के लिए डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपकी क्वालिफिकेशन आईटीआई है, बीएससी, बी फार्मा यदि आपने कर रखा है तो दोस्त इस वीडियो को आपको जरूर पूरा देखना चाहिए, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। यदि आप किसी भी ऑटोमोबाइल या किसी भी फार्मा कंपनी को टारगेट कर रहे हो तो आप ऑटोमोबाइल में दोस्त हो सकते हैं आईसर, फोर्स, टाटा मोटर्स, SPM, बहुत सारी कंपनियां हैं, कपारो, तो दोस्त यहां पर बहुत सारी कंपनियां हैं, जॉन डियर, लियो गोंग, आप बढ़ते जाओगे तो यहाँ पे कंपनी एक से एक बढ़कर कंपनियाँ हैं, ठीक है। और फार्मा कंपनी में जैसे है कि सिप्ला है, माइलान है, और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं फार्मा कंपनी में। तो आप जॉब की क्या प्रोसेस होती है इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है और आप घर बैठे सही डिसीजन ले पाओगे कि एक्चुअल में आप जब जाओगे पीथमपुर लोकेशन में तो किस तरह से आपको जाना है और क्या प्रिपेयर करके जाना है, किस तरह से आपको जॉब मिलेगी, यदि आप फ्रेशर हो तो क्या करके आपको किन चीज़ों की तैयारी करके जानी है। तो दोस्त, हम आपको बता दें, किसी भी कंपनी में यदि आप जा रहे हो जॉब के लिए तो वहाँ पर होगा सबसे पहले आपका इंटरव्यू, ठीक है ना। यदि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है तब रिज्यूम शॉर्टलिस्ट कैसे होगा, सबसे पहले तो दोस्त आपको जो है, आप यदि आप आईटी डिप्लोमा हो, ठीक है, या डिग्री हो, कुछ भी हो, तो आपको बता दें कि जो भी पीथमपुर जितनी बार ऑटोमोबाइल या फार्मा कंपनी, इनकी वैकेंसी ऑनलाइन निकलती नहीं है, आपको ऑफलाइन ही विजिट करना होता है। सेक्टर वाइज सारी कंपनी है, यदि आप पीथमपुर आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए सेक्टर फर्स्ट में ये कंपनी है, सेक्टर सेकंड में, सेक्टर थर्ड में। नहीं पता तो पता हो जाता है, यहाँ पर आकर आप पता कर सकते हो कि फार्मा कंपनी किस सेक्टर में है। तो हम आपको बता दें, सेक्टर नंबर 3 में फार्मा कंपनी आपको मिलती है, सेक्टर नंबर फर्स्ट में ऑटोमोबाइल कंपनियाँ आपको, सेक्टर नंबर सेकंड में भी ऑटोमोबाइल कंपनी आपको देखने को मिलती है। तो इन ऑटोमोबाइल कंपनी में किस तरह से होगा, तो यहां पर चाहे हो चाहे फार्मा कंपनी में हो, दोनों का सेम ही रूल है कि आपको टाइम ऑफिस देखने को मिलता है। यहां पर आपको रिज्यूम देना होता है, रिज्यूम आपका शॉर्टलिस्ट होगा अगर, तो उसी टाइम आपका मॉर्निंग में ही जाना पड़ता है, मॉर्निंग में ही आपका जो है दोस्त आपका इंटरव्यू करा दिया जाता है। लेकिन यहां पर ही सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि इंटरव्यू ही क्रैक नहीं हो पाता बहुत से लड़कों का। तो क्यों नहीं हो पाता, क्या दिक्कत होती है, तो आपको बता दें कि आपको क्या करके जाना ताकि आप वहां पर जॉब ले पाओ। दोस्त, यहां पर आपको बता दें कि जब आप यहां पर जॉब के लिए जाओगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो आपको सबसे पहले तो रिज्यूम को फोकस करना है, रिज्यूम में वही चीज मेंशन करना है, एक पेज का बनाना सबसे पहली बात, और दोस्त वहां पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट और दोस्त फेवरेट सब्जेक्ट जरूर लिखना है, क्योंकि आपको फेवरेट सब्जेक्ट, जो आपको सब्जेक्ट की बेसिक तैयार होगा आपको, तो उसी सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, और एरिया ऑफ इंटरेस्ट जब लिखोगे तो आपको उसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट यानी प्रोडक्शन से रिगार्डिंग ही चीजें पूछी जाएंगी। क्वालिटी लिखोगे, मेंटेनेंस लिखोगे, जो भी लिखोगे तो उसी से रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वही डिपार्टमेंट में आपको ट्रेनिंग में रखा जाएगा, ठीक है। यदि आपने ऑटो कैट कैट या कुछ भी रखा है तो आप डिजाइन रख सकते हो, एरिया ऑफ इंटरेस्ट में डिजाइन जो है दोस्त रख सकते हो, जॉब मतलब ट्रेनिंग में आपको रखा जाएगा, अप्रेंटिसशिप में रखा जाएगा। तो दोस्त, ये तो हो गया फ्रेशर वाले बंदों के लिए। अब अगर एक्सपीरियंस है 1 से 2 साल का तो फिर कैसे मिलेगा आपको, तो 1 से 2 साल एक्सपीरियंस है दोस्त, तो यहाँ पर आपको पहली बात तो डायरेक्टली गेट से होगा ही नहीं, मतलब पता कर सकते हो आप, आपको एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस वाले के लिए सबसे बता दूँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए, लिंक्डइन में अप्लाई करना चाहिए जाके, ठीक है ना। बाकी आप आगे पता कर सकते हो, यहाँ पर भी पता करोगे तो आपको जानकारी दे दिया जाएगा। अब दोस्त, अगर आप बीटेक बंदे हो तो बीटेक वाले बंदों को दोस्त बहुत सी कंपनी तो ऐसी हैं 10th 12th बेस में ही रखती हैं, 10th 12th बेस में ही काम करवाती हैं, लेकिन बहुत सी कंपनी ऐसी भी अभी भी हैं जैसे कि दोस्त छोटी कंपनियां जो रख लेती हैं बीटेक वाले बंदों को, लेकिन इनका जो है डायरेक्टली अगर कैंपस हो जाए, ऑनलाइन अप्लाई करने से हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत ही गिरी हालत चल रही है इस टाइम बीटेक वाले बंदों की। कंपेरिजन टू आईटीआई डिप्लोमा के तो बिल्कुल भी बहुत ही आसपास भी बीटेक के बंदे नहीं है, मतलब अगर 10 लड़के अगर डिप्लोमा के हो रहे हैं, 20 लड़के आईटीआई के बंदे वहां पे हायर करे कंपनी, तो एक लड़का जो है बीटेक का हायर करेगा वो भी दोस्त उसको भी मतलब डिप्लोमा लेवल का काम दिया जाता है, और सैलरी भी उनको डिप्लोमा बीटेक में डिफरेंस नहीं रखा जाता ज़्यादा, और ऑन रोल अप्रेंटिसशिप, ऑन रोल ट्रेनिंग में नहीं रखा जाता है, उनको पर्टिकुलर रखा जाता है आईसेक्ट में, नीम तो बंद ही हो गया है, आईसेक्ट में यानी गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू रखा जाएगा या फिर उन कॉन्ट्रैक्ट में रख दिया जाएगा। तो दोस्तों, मेरा बताने का मोटिव यह था कि अगर आप जो है पीथमपुर में इस टाइम जॉब लेना चाहते हैं तो किस तरह से आप जॉब ले सकते हैं, और सारी प्रोसेस मैंने बता दी, क्या गलती करते हो आप तो जॉब आपको नहीं मिल पाती है, क्या गलती नहीं करनी है आपको। धन्यवाद, चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से हेल्प मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।